तो 700 मीटर रह गया है यहाँ से फाइनेंशियल टावर, जहाँ पर हम जाके ऑब्जर्वेशन डेस्क का व्यू एंजॉय करेंगे। वो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग, वहीं हमको जाना है। और मैं हूँ अभी हो ची मिन्ह सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट्स पे, और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा ना हो, बस मुझे वहाँ पे जाके ऊपर का व्यू देखना है कैसा हो। और यहाँ पे ना हो ची मिन्ह सिटी में इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं, इतने सारे हैं, क्या ही बताऊँ आपको, हर जगह मिलेगा। सारे कॉफ़ी शॉप्स, आइसक्रीम शॉप, टी, और ख़ास बात यह है कि चाय तो आपको फ्री की मिल जाएगी। आप किसी भी कैफ़े में जाके बैठिए, वो अपने आप, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आपको वो चाय पकड़वा देंगे फ्री की। तो पानी लग चुका है, ओके, पानी साफ़ कर दिया है मैंने। हाँ, रोड क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और वहीं टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा। आई थिंक शायद मैं गलत जा रहा हूँ, आगे से उस तरफ से है शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है। नहीं, सही हूँ, आगे से, आगे से लेफ्ट लेना है। ओके, पहुंच चुका हूं टेक्सको फाइनेंशियल टावर के जस्ट नीचे। ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी लंबी बिल्डिंग है भाई साहब, इसके नीचे मैं पहुंचा हूं और वेट कर रहा हूं थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, ताकि जब मैं ऊपर जाऊं तो वहां से पूरा हो ची मिन्ह सिटी का व्यू बड़ा मस्त आए। इसलिए मैं थोड़ा सा आधा एक घंटा वेट कर लेता हूँ। तब तक यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड हम ट्राई कर सकते हैं। जूसीस, ये क्या है, कुछ 12,000 डोंग का तो है, ये तो समझ में आ रहा है। राउमा, अब ये पूछना पड़ेगा कि राउमा क्या चीज़ होती है। ये कुछ लीव्स है तो पत्तों का जूस, ये क्या है भाई, कुछ रौमा करके है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस रौमा? इट्स अ A vegetable? Yes. This is a juice? Yes. Okay, how much? If you bring the Centella original, it's the big size is 17. It's a juice name is Centella juice. With milk. Yeah. The Centella juice, Centella. Yeah. Okay. 12,000? This one? This one. Okay. 12,000. Okay, give one. तो सेंटला जूस करके कुछ है यहाँ पे, वो हम ट्राई करते हैं। 12,000 डोंग, 35 रुपये का है इंडियन रुपीज़ में। और जूसी वगैरह ही ट्राई कर लूँगा, बिकॉज भूख तो लगी है। लेकिन अभी मैं जाऊँगा एयरपोर्ट यहाँ पे घूमने के बाद, तो एयरपोर्ट में लॉन्च एक्सेस ले लेंगे, ठीक है? या गिव वन, वन तो ये है सेंटला जूस, जो 12,000 डोंग में हमने लिया है। और मैं हूँ अभी हो ची मिन्ह सिटी के मेन पॉइंट पे, और ये ट्राई करते हैं कैसा है। शुगर इन्होंने ठीक ठाक डाली है, इन्होंने इनसे पूछा था कि आपको शुगर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली लोग शुगर कम कंज्यूम करते हैं, तो मेरे लिए इन्होंने स्पेशली थोड़ी ठीक ठाक शुगर डाली है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब नेचुरल जो लीव्स होते हैं उनका स्वाद आ रहा है, अच्छा है। तो भाई साहब, आ चुके हैं हम टेक्सको टावर पे, और भाई कितना ऊंचा है ये, बड़ी ऊंची बिल्डिंग है भाई। कैमरे को जितना मर्जी ऊपर कर लूँ,
थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो हो ची मिन्ह सिटी का नाइट व्यू काफ़ी अमेजिंग आने वाला है यहाँ से। तो अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक का वेट करते हैं। 1 घंटा मैं क्या करूँगा, मैं कहीं बैठ जाता हूँ शॉप पे या अंदर ही बैठ जाता हूँ ना अंदर, तब तक शॉपिंग मॉल्स वगैरह घूम लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर का टिकट ले लेंगे। मतलब कि ऑब्जर्वेशन डेस्क करना कि ऊपर वो मत समझ लेना। और ये देखिए क्या व्यू आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लॉक नहीं है, वो मेरा जो हॉरिजॉन्टल लॉक बजने वाले हैं और मैं अभी हूँ साइगोन स्काईडेक्स के जस्ट नीचे खड़ा हूँ। और अब थोड़ा सा अंदर चल लेते हैं बिकॉज़ फिर उसके बाद मेरे को एयरपोर्ट भी जाना है, तो अंदर जाके ज़्यादा टाइम ना लग जाए इससे थोड़ा सेफ्टी के लिए हम थोड़ा सा अभी निकल लेते हैं अंदर और पूछते हैं क्या टिकट प्राइस है इसका और क्या कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा टिकट में। उससे पहले थोड़े से मैं यू नो सिनेमेटिक शॉट ले लेता हूँ इसके। फाइनली टाइम आ चुका है अंदर जाने का और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि क्या क्या यहाँ पे है, क्या क्या टिकट प्राइस है, मतलब क्या टिकट प्राइस है, क्या क्या उसमें इंक्लूड है। और ये है टिकट एंड एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम एंटर करते हैं। सामने बैठी होंगी एक मोहतरमा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्काईडेक्स? Give you some information about it. Okay. The skyline is at 49 over here. Okay. You see the view from inside the building. Okay. You get 200,000 now, include free mineral water, binocular, cross street, and outside museum. No time limit. Binoculars, sunglass shop. So no drink included in this. Yeah. Just you can get a free mineral water at the souvenir shop. Okay. So any photo click also, photo is included, photography is included, only these 3 things are included in this, in yes. 200. Okay. And what time it remains open, full night? We close at 9:30. 9:30 you closed, yes. Okay. Okay, give me one ticket. 200,000 please. Okay. Do you accept card? Yes. Okay. हमने ले ली हैं 2 लाख डोंग लगे हैं यानी कि इंडियन करेंसी में 600 रुपये। और सो फोटो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इज टेक पिक्चर फॉर फ्री बट इफ यू वांट टू गिव इट यू हैव टू पे फॉर इट। Take picture for free, but if you want to keep it like this, you have to pay for it. How much? 110 for one. So photo is not included in the ticket? Yes, not included. So I can get like soft copy without hard copy? Soft copy also have to pay for it. Okay. But you can take picture and save picture on level 49 for free. Okay. So photo photos are kichwa lete hain. तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, गोइंग अप। ओके थैंक यू। तो भाई हम जा रहे हैं 49th फ्लोर पे और काफ़ी मज़ा आने वाला है ऑब्जर्वेशन डेस्क से देखने का सिटी व्यू। ये बहुत फास्ट लिफ्ट है, 49th फ्लोर पे जाना है हमें। काम दस कर रहे हैं भाई।
पहुंच चुका हूं 49th फ्लोर पे. वी हैव टू वेयर द मास्क. ओहो क्या व्यू आ रहा है सिटी का यहाँ से. बहुत अच्छा भाई. ये है साइगोन सिटी, होचिमिन सिटी. वाओ मैजिक. थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए हम यहाँ पे रुकेंगे तब तक, और तब आपको यहाँ का व्यू दिखा देंगे. अब नज़ारा देखिए भाई साहब. और आपको याद है कल हम वहाँ गए थे, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ. हाँ, लैंडमार्क 81 गए थे कल, उस वाले टावर पे जो मिनी बुर्ज खलीफा है. और ये है विटेक्सको फाइनेंशियल टावर का व्यू पॉइंट. बड़ा गजब है भाई. पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे कितने पैसे डिडक्ट हुए हैं न्यू ग्लोबल कार्ड से इंडियन रुपीस में. 682 रुपये यार, 682 रुपये में क्या था आज की लाइफ में यार. कम ऑन, होचिमिन सिटी आ रहे हो, 682 रुपये खर्च करिए और यहाँ पर आइए ओनली फॉर 600 रुपीस. बिल्डिंग चमकना स्टार्ट हो गई हैं और इसी के लिए मैं आया था यहाँ पे. रात हो चुकी है 7:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और यहाँ से जो होचिमिन सिटी का जो व्यू आ रहा है वो एकदम लाजवाब आ रहा है. और अभी हम आपको होचिमिन सिटी का 360 डिग्री का व्यू दिखाएंगे. तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं. थोड़ी रिफ्लेक्शंस आ रही हैं बिकॉज नाइट टाइम है. तो अब रात हो चुकी है और ये व्यू मैं देखने आया था. थोड़ी सी गंदी सी रिफ्लेक्शंस आ रही है बिकॉज ये ग्लासेस हैं और पीछे लाइट्स चमक रही हैं.
बाकी व्यू गजब का है। ये 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने हॉस्टल के लिए निकल ही रहा था कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे शेल्टर की तरफ और फिर अपनी ग्रैब बाइक बुक कर लेते हैं हॉस्टल की तरफ। तो क्या अमेजिंग ट्रिप था ये, मज़ा आ गया भाई। और यहाँ पे आके क्या हॉस्पिटैलिटी मिली है, लोग बड़े अच्छे हैं वियतनाम के, बड़ा मज़ा आया मेरे को। तो अब हम ग्रैब टैक्सी बुक करते हैं, देखते हैं क्या पैसे लेगा। 7 बज चुके हैं और लेट्स टाइम टू बुक ए ग्रैब। ओके 17,000 डोंग, ज़्यादा महंगा नहीं है। 17,000 डोंग यानी 55 रुपए के आसपास लग रहे हैं। तो अभी तो यहाँ बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा सा वेट ही कर लेता हूँ, वही मेरे लिए सही रहेगा। और ये डॉगी बड़ा मस्त है यार। तो मैंने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है रेनकोट से। थैंक यू सौर्या भाई, आपका ये रेनकोट बहुत काम आया है। और पूरा मैंने बैग के पीछे रेनकोट में छुपा लिया है ताकि, क्योंकि इसमें मेरा पासपोर्ट है वो गीला हो जाएगा तो मेरे को दिक्कत होगी यहाँ से जाने में। और अभी मैं ग्रैब बाइक बुक कर लेता हूँ और चलते अपने होटल की तरफ। हॉस्टल की तरफ जाने से पहले मेरे को एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रीट फूड शॉप दिखी है, एवं बस आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सब खा के मरोगे आप, ये खाओ और मर जाओ। आप लोगों की वजह से ही कोरोना वायरस फैल रहा है भाई। एक बार रेट पता कर लेते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। उस बाइक वाले ने बड़ा टाइम लगा दिया यार। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, वो पूरा पैक हुआ हूँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मैं नहीं चाहता कुछ गीला हो, बिकॉज पासपोर्ट वगैरह मेरे बैग में है और बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़। आप ब्यूटी देखिए शहर की, क्या लाजवाब है। वेट कर रहा हूँ, काउंटर सभी खुले नहीं हैं, 11 बजे खुलेंगे और काउंटर नंबर आई से इंडिगो का काउंटर ओपन होगा। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और मुझे मिले हैं एक भाई, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ लुइस। लुइस हैं, ये साउथ कोरिया से हैं, सियोल जा रहे हैं और बहुत अच्छी कंट्री है। से हाई टू माई सब्सक्राइबर्स। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इन्होंने मुझे फ्री कोकोनट पानी ऑफर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू फॉर दिस। वुड यू लाइक टू हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ? इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, हाय माय नेम इज लुइस, आई एम फ्रॉम साउथ कोरिया एंड आई ट्रैवल फॉर हो ची मिन्ह 1 week एंड आई मेट हिम इन एयरपोर्ट। और ये यहाँ पे पांचवी बार, यू आर हियर फॉर द फिफ्थ टाइम इन वियतनाम, राइट? फिफ्थ टाइम। ओके ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत फनी से हैं ये थोड़े। और इनको इंडियन करी बहुत पसंद है तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इंडियन, आई लाइक इंडियन करी, तो मैंने इनको दिखाया यार दिस इज़ करी हाउ इट इज़ मेड। और फिर मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप साउथ कोरिया में किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट पर जाइए, आप वहाँ पर करी बोल दीजिए, आपको दे देंगे। तो
please do try curry in Indian restaurant in your country. There are many Indian restaurants here. Finally, मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे और मैं वेट कर रहा हूं अपने बैगेजेस का और इसी के साथ होती है ये वीडियो ख़त्म और ये वियतनाम ट्रिप एंड होता है इसी के साथ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए और जल्द ही हम लौटेंगे नए ट्रैवल व्लॉग के साथ एक होगी नई डेस्टिनेशंस नई कंट्री होगी और इसी के साथ होता है ये वीडियो ख़त्म और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड टू गिव लव टू माई चैनल और कैसी लगी है ये आपको वियतनाम सीरीज़ इसके बारे में आप ज़रूर बताइए तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले व्लॉग में तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय